अक्सर लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं या फिर कोई पालतू जानवर जिनसे उन्हें बेहद प्यार होता है, लेकिन इतना प्यार भी नहीं हो सकता कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके लिए अस्पताल खोल दिया जाए। गुजरात में देश का पहला कुत्तों का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। ये भारत का पहला पशु चिकित्सा वेंटिलेटर अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल के पीछे की कहानी बड़ी अलग है। पेट हॉस्पिटल के संस्थापक शैवल देसाई कहते हैं कि पालतू जानवरों के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का ख्याल उनके जहन में तब आया जब एक साल पहले उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई। बेस्ट पाथ इज अ नॉन प्रॉफिट वेटरनरी हॉस्पिटल फॉर पेट्स। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी स्प्रेड आउट ओवर 5,000 स्क्वायर फीट वेयर वी हैव एवरीथिंग इन डायग्नोस्टिक्स राइट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड टू एक्सरे पैथोलॉजी टू सर्जरी। वी हैव टू फुल्ली इक्विप्ड ओटी रूम्स विद इन गुजरात फर्स्ट एनिमल वेंटिलेटर, गैसियस एनेस्थीजिया डेंटल स्टेशन एंड अ ग्रूमिंग सेंटर। सो वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पेट्स हेल्थ। The origin story of this idea is a little sad. I actually lost my dog, dear dog called Buddy, hence the name Best Buds, actually 1 year ago. During that entire endeavor, during the time that he was sick, it was a very painful time for me, and I actually went through a lot of veterinary facilities in the state actually. And having gone through that entire episode, I saw that facilities were really lacking in one way or the other. And when Buddy passed away, which was on August 27th, I actually decided that I am going to open something, open a facility such that no other pet owner has to go through the pain that I went through, and no other pet has to suffer the same fate that my Buddy went through. शैवल देसाई के लिए वो वक्त बेहद दर्दनाक था और शैवल चाहकर भी अपने उस पालतू कुत्ते को भूल नहीं पा रहे थे। अच्छी सुविधाओं की कमी की वजह से उनके कुत्ते का इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल बनाने का फैसला लिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।